लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टी ऑफ एक्साइज सिक्सटीन बी क्वेश्चन नंबर थर्टी इज इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड ए बी आर द रिस्पेक्टिवली द आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स पी क्यू और ए बी दो आर्स हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की जिनका रेडियस है सेवन सेंटीमीटर एंड थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ तो जिनका रेडियस सेवन सेंटीमीटर ऑब्वियसली ये आर्क दूर है तो ये वाला रेडियस सेवन सेंटीमीटर होगा और ये आर्क पास है तो ये वाला थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होगा इफ पी ओ क्यू थर्टी डिग्री है अगर पी ओ क्यू ये वाला एंगल थर्टी डिग्री है फाइन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमें ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए हमें पता है ओ पी कितना है 7 सेंटीमीटर रेडियस राइट और ओ ए क्या है कितना है 3.5 ये भी रेडियस है ऑफ सेकेंड सर्कल रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल दो सर्कल्स हैं जिनकी आग दे रखी है और हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे अगर हम एक आर्क पी ओ क्यू का एरिया निकाल लें तो एरिया ऑफ पी ओ क्यू कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी से निकलेगा पाई की वैल्यू दे नहीं रखी तो हम ट्वेंटी टू अपॉन सेवन ही लेंगे और आर हमारा पीओ क्यू के लिए आर है सेवन तो वो सेवन इंटू सेवन और थीटा हमें पता है थर्टी डिग्री है अपॉन थ्री सिक्सटी तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया सेवन से सेवन कैंसिल हो गया थ्री वन जी थ्री टू जिक्स टू सिक्सर ट्वेल्व एंड एलेवन तो ये आ गया सेवेंटी सेवन अपॉइन्ट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अब इसी तरीके से हम दूसरी आर्क का एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी तो कैसे कितना आया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी तो पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू 7 सेवन आर यहाँ पे है थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव थीटा सेम रहेगा थर्टी अपॉन थ्री सिक्सटी तो ये कितना आ गया पॉइंट हटाया नीचे जीरो लग गया फिर से पॉइंट हटाया एक ज़ीरो लग गया अब देखिए ज़ीरो से जीरो कैंसिल हुआ सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव राइट नाउ थ्री वन ज थ्री थ्री वन ज थ्री थ्री टू ज़र सिक्स टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व एंड इलेवन फाइव वन जो फाइव फाइव टू ज़ा टेन फाइव टू जा टेन फाइव सेवन जर्टी फाइव तो ये कितना आ गया सेवेंटी सेवन अपॉन ये देखिए एक ये वाला टू एक ये वाला टू एक ये सिक्स तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया कैसे आएगा एरिया ऑफ सेक्टर पीओ क्यू में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर एओ बी राइट तो पीओ क्यू का एरिया कितना आया था दैट इज सेवेंटी सेवन अपॉन सिक्स और हमारा एओबी का सेवेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर तो कितना आ गया देखिए सिक्स और ट्वेंटी फोर का एलसीएम 24 ट्वेंटी फोर ही आएगा तो सेवेंटी सेवन इंटू सिक्स फोर ट्वेंटी फोर माइनस सेवेंटी सेवन देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम नहीं सिखा सकती आप प्लीज़ पास क्लासेस में जाके देखें मेरी वीडियोस सिक्स फोर 24 ट्वेंटी फोर अब ये कितना आ गया फोर सेवन 28 ट्वेंटी एट एंड थर्टी माइनस सेवेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर तो ये कितना आ गया एट में से सेवन गया वन टेन में से सेवन गया थ्री एंड टू अपॉन ट्वेंटी फोर तो ये कितना आ गया थ्री से जा रहा है ये थ्री एट ज़र ट्वेंटी फोर थ्री सेवन ज़ार ट्वेंटी वन थ्री सेवन ट्वेंटी वन तो कितना आ गया शेडेड रीजन का एरिया सेवेंटी सेवन अपॉन एट सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑफ एक्साइज सिक्सटीन बी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज इन द गिवन फिगर फाइन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इस फिगर में हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इफ़ ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए बी सी डी स्क्वायर है ऑफ साइड फोर्टीन सेंटीमीटर जिसकी साइड फोर्टीन सेंटीमीटर एंड ए पी डी देखिए ये पॉइंट पी है तो ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स जिसमें से ये दोनों क्या है सेमी सर्कल्स है तो कैसे निकालेंगे हम साइड दे रखिए साइड ऑफ स्क् रखिए हमें फोर्टीन सेंटीमीटर तो हमारा एरिया कितना आ जाए क्यों एरिया क्योंकि हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें बड़ी चीज की एरिया निकालना पड़ेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी कितना आया ए बी सी डी साइड का स्क्वायर हो गया तो साइड थी हमारी 14 तो 14 का स्क्वायर कितना आता है वन नाइनटी सिक्स ये हमें ऑलरेडी पता है तो अब हमें सेमी सर्कल्स का एरिया निकालना है अब अगर आप देखेंगे ए डी इक्वल है बी के कितनी फोर्टीन सेंटीमीटर तो फॉर सेमी सर्कल ये क्या हो गई फॉर सेमी सर्कल ए डी एंड बी सी क्या हो गई इज अ डायमीटर इज अ डायामीटर ऑफ फोर्टीन सेंटीमीटर फोर्टीन सेंटीमीटर का डायमीटर हो गया तो रेडियस क्या आ गया दोनों सेमी सर्कल के लिए रेडियस ऑफ बोथ सेमी सर्कल क्या आ गया दैट इज डायमीटर का आधा फोर्टीन का आधा दैट सेवन सेंटीमीटर आ गया अब हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे तो एरिया क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है सेमी सर्कल के तो एक का एरिया निकाल के डबल कर सकते हैं तो एरिया यहीं की यहीं कर रही हूं ऑफ बोथ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सर्कल कहें या एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल कहें बात एक ही है क्योंकि आधा और आधा मिलके एक से एक सर्कल बन गया है बोथ सेमी सर्कल कितना होगा दो सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का एरिया होता है आधा ऑफ फुल सेमी फुल सर्कल का देखिए दो सेमी सर्कल है इसलिए टू और सेमी सर्कल का एरिया होता है आधा ऑफ पूरे सर्कल का एरिया तो हाफ ऑफ फुल सर्कल एरिया तो ये कितना आ गया देखिए टू से टू के आंसर हो गया तो ये पाई आर स्क्वायर ही आ गया और पाई की वैल्यू दे नहीं रखी तो ये आ गया ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन आर हमारा है सेवन तो ये कितना आ गया सेवन से सेवन कैंसिल हो गया सेवन टूज ऑफ फोर्टीन एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम शेडेड एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से ए बी सी डी में से हम एरिया ऑफ किसका एरिया ए पी डी एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल का निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था 196 और दोनों सेमी सर्कल का एरिया कितना है 154 फिफ्टी फोर तो कितना आ गया टू नाइन में से फाइव गेस फोर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर